अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूट्यूब एक्स। आज की वीडियो में आप सबको कैटरीना कैफ और विक्की कौशल के हनीमून के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये 2021 की सबसे ग्रैंड वेडिंग कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की थी और अब तक ये सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली शादी है। कैटरीना और विक्की 9 दिसंबर को शादी के बंधन में बंध गए थे और नेक्स्ट डे 10 दिसंबर एक प्राइवेट प्लेन में अपने हनीमून के लिए जा चुके थे। अपने हनीमून की डेस्टिनेशन के बारे में किसी को पता नहीं था, पर बताया जा रहा है शायद मालदीव्स जाएंगे। अब कैटरीना ने अपने मेहंदी लगे हाथों की पिक्चर शेयर की है और बैकग्राउंड में मालदीव्स बीच नजर आ रहा है और इसी तरह दोनों के हनीमून डेस्टिनेशन के बारे में पता लगाया जा सका है कि हनीमून के लिए ये दोनों मालदीव्स ही गए थे और जो रिपोर्ट थी वो ठीक थी। कैटरीना ने अपनी मेहंदी फेमस मेहंदी आर्टिस्ट वीना नागदा से लगवाई थी जो उन पर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। कैटरीना ने हनीमून से वापस आने के बाद अपने ससुराल में एज अ पोस्ट वेडिंग रिचुअल हलवा भी बनाया जो सबको बहुत पसंद आया, स्पेशली विक्की कौशल को। उनका कहना था कि यह हलवा बेस्ट एवर है। शादी के 10 दिन बाद ही वो दोनों अपने वर्क रिज्यूम कर चुके हैं और वो दोनों बहुत जल्द एक टीवीसी में भी एक साथ नजर आने वाले हैं, जिनके लिए उन दोनों के फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और पहली बार दोनों को ऑन स्क्रीन देखने के लिए बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं। कैटरीना और विक्की की जोड़ी वैसे तो सबकी फेवरेट बन ही चुकी है, पर आने वाले वक्त में ये दोनों क्या कमाल दिखाते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या आप भी इन दोनों को ऑन स्क्रीन देखने के लिए एक्साइटेड हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।